अस्सलाम वालेकुम। यासीन मिंबर सुसेना विभाग प्रमुख बोल रहा हूँ। हमारे असगर अली मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, तो मदनी नगर के रहने वाले हैं ये। तो इनका लड़का घर से लापता हो गया, तकरीबन इनको लड़के को गुम होने की वो 20 से 22 दिन हो गए। तो इन्होंने मेरे पास आए, यार यासीन मिंबर मेरा लड़का ना घर से लापता हो गया है। घर से बोल के लड़के लोग से निकले थे, बोले यार मैं काम पे जा रहा हूँ। तो जब वो काम पे भी नहीं गया, इन्होंने पूरी मालूमात ली है, तो मालूमात में लगा ना घर पे है कहीं, ना कोई रिश्तेदारन में कहीं, ये पता नहीं कहाँ निकल गया घर से। और रिश्तेदार में बोलो या दोस्त अहबाब में बोलो, सब जगह पूछे, मालूमात लिए उनके वालिद साहब, तो उनको यही मालूमात मिला है तुम्हारा बच्चा हमारे पास नहीं आया। तो इन्होंने बोले, फिर मैं इनसे पूछा आपने कंप्लेन करे क्या। जब इन्होंने मेरे पास आए तो मैं इनको ले गया आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने। 16 तारीख इनकी कंप्लेन किया, 16 तारीख 2/2023 को। लड़के का फोटो आप देख लो। और मेरी इतनी गुजारिश है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है या आपके साथ वाले जो भी है, ये इनको जितनी तेज़ी से वायरल करेंगे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो इनका बच्चा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ अली मेरा लड़का है, वो 22 दिन से गायब है। काम पे बोल के गया लेकिन काम पे भी नहीं पहुंचा और ना घर वापस आया। तो हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखा है और जाने का तो हमने वहाँ मालूम निकाले, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बस तो अगर दिखे तो हमको नंबर पे देंगे, तो फोन नंबर पे मालूम कर देना। मदनी नगर रिक्शा स्टाफ का लड़का है, 9/12/67/07/61। फोटो दे रहे हैं हम, इसको भी दिखे वो नंबर पे हमको मालूम करेगा।